पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी कसिया कुंदन कुमार सिंह के नेतृत्व में अवैध शराब बिक्री परिवहन निष्कलन की द्वितीय चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को थाना कसिया पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर NH-28 ममता होटल के पास एक लग्जरी कार हुंडई i20 से तस्करी कर ले जाई जा रही 138 एम्पेरियम ब्लू और 35 बोतल रॉयल स्टेज कुल 173 बोतल में 129 लीटर लगभग अंग्रेजी शराब वाहन सहित लगभग 6 लाख रुपए के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। चलाए जा रहे अपराधी एवं अपराधियों के खिलाफ जो अभियान हम लोग चला रहे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, उसी के क्रम में कसिया पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें कि 175 बोतलें अंग्रेजी शराब की जो एक अवैध तरीके से एक लग्जरी गाड़ी में पैक करके बिहार के ले जा रही थी, वहाँ पे हमारे पुलिस टीम ने उनको रोका है और तलाशी में उनके गाड़ियों से 175 बोतलें शराब की बोतल मिली हैं, जिसमें कि दो अभियुक्त भी गिरफ्तार हुए हैं। इसमें कसिया पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसा बार बार देखने को मिलता है तो इसके खिलाफ क्या किस तरह की कठोर कार्रवाई की जा रही है? इसके लिए हम लोग लगातार जो है इसमें दबिश देते हैं, चेकिंग करते हैं और जहां भी ऐसी सूचनाएँ हमें प्राप्त होती है कि कुछ इस तरह का मामला हो रहा है वहाँ तत्काल जो है सो उनको उस पर दबिश दे करके कार्रवाई की जाती है। और आपने देखा भी है कि अभी रिसेंट टाइम में ऐसी बहुत सारी बरामदगी हुई है, पिछले महीने भी कसिया पुलिस ने एक ऐसे ही बरामदगी भी किया था। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।